प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को देख रही सीनियर आईएएस विजय लक्ष्मी जोशी ने अचानक वीआरएस ले लिया है। अब से कुछ ही देर पहले सरकार ने वीआरएस मंजूर भी कर लिया है। गुजरात कैडर की सीनियर आईएएस थी विजय लक्ष्मी जोशी, लेकिन उससे पहले ही विजय लक्ष्मी जोशी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। 1980 बैच की आईएएस अधिकारी जोशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान की जिम्मेदारी संभालने के लिए ही पंचायती राज मंत्रालय के सचिव पद के साथ साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में ओएसडी बनाया गया था। विजय लक्ष्मी जोशी साल 2011 से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में काम कर रही थी। विजय लक्ष्मी जोशी के पति जीपी जोशी भी आईएएस रह चुके हैं और उन्होंने भी साल 2008 में वीआरएस ले लिया था। हालांकि व्यक्तिगत वजह बताई है यहां पर उन्होंने अपने वीआरएस के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि काम का दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने वीआरएस लिया और अब पीएमओ ने इस वीआरएस को मंजूरी दे दी है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में ओएसडी हैं विजय लक्ष्मी और अब वीआरएस ले चुके हैं। और इस वीआरएस पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है ये सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता आरएसएस के सामने जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी देश के नागरिकों को होती है, आरएसएस को नहीं। रिपोर्ट कार्ड अगर इन मंत्रियों को देना था तो ये रिपोर्ट कार्ड उनको देश को देना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाली अगर कोई संगठन है तो वो आरएसएस है। पूरे देश को आज देखने को मिल रहा है, वन रैंक वन पेंशन की बात हो, महंगाई की बात हो, किसी इन सब मुद्दों पर अगर देखा जाए तो वरिष्ठ नेता, वो गृह मंत्री हो, विदेश गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, शिक्षा मंत्री हो, आरएसएस को जाके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नारा भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दिया था, सबके साथ सबका विकास। परंतु आज अगर देखा जाए, अगर आरएसएस से चलती है ये सरकार तो क्या सबका विकास हो? देखिए, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जो अधिकारी अपने मन से और जो कानून नियम के साथ काम करना चाहता है उसको ये सरकार वीआरएस दिलवा देगी। वो आपने देखा होगा जो फिक्स टर्म टेन्योर वाले अधिकारी भी रहे हैं, गृह मंत्रालय में दो दो सेक्रेटरी बदल चुके, विदेश सचिव को भी बदल दिया गया है और ये बिल्कुल एक पैटर्न सा दिखते आ रहा है कि 15 महीने में वो डीआरडीओ के इंचार्ज रहे हों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी रहे हों। जो अधिकारी कानून और नियम के साथ चलना चाहेगा उसको वीआरएस दिलवाने का काम, मैं समझ सकता हूँ, ये सरकार दिलवाने का काम कर रही है प्रजातंत्र के लिए और देश हित में लिए। मैं समझ सकता हूँ ये बहुत ही खराब निर्णय है और सरकार को और अधिकारियों को इस पर जरूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो कांग्रेस का ये आरोप है कि जो भी अधिकारी कानून और नियम के तहत चलना चाहता है वो इस सरकार में टिक नहीं पाता।